बताया गया था क्लब और पुलिस स्टेशन वाला सीन कैसे केजीएफ चैप्टर 1 में ही दे दिया था चैप्टर 3 का हिंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप सब ने केजीएफ चैप्टर 2 को इतने ही ध्यान से देखा होगा जितने ध्यान से हम मार्वल और डीसी की मूवी देखते हैं, क्योंकि केजीएफ के मेकर्स ने छोटी छोटी डिटेल्स का काफी ध्यान रखा है और इन्हीं डिटेल्स की वजह से हम केजीएफ को मार्वल और डीसी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो केजीएफ 1 में दो सबसे शानदार सीन थे जो 1981 ईयर के बताए गए थे। पहला पुलिस स्टेशन वाला सीन जहां पुलिस वाला रॉकी से उसका लाइसेंस मांगता है, और दूसरा क्लब वाला सीन जहां रॉकी दरवाजे पर बैठकर M16 के सारे गुंडों को मार देता है। तो आज हम इन्हीं दोनों सीन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये दोनों सीन से केजीएफ के फ्यूचर का क्या हिंट मिलता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये दो सीन हमें केजीएफ चैप्टर 2 में देखने को नहीं मिले हैं। ये इसलिए क्योंकि ये दो सीन केजीएफ चैप्टर 2 के थे ही नहीं। आपको याद होगा जब आनंद सर ने इन सीन को बता रहे थे तब वो न्यूज चैनल के ओनर से पूछते हैं कि क्या मैं आगे निकल गया था, तो वो कहते हैं कि बहुत आगे। इसका मतलब साफ है केजीएफ चैप्टर 1 में जो सीन हमें दिखाए गए थे वो चैप्टर 2 के थे ही नहीं। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन सीन से सेट क्लियर होता है, अगर ये सीन केजीएफ चैप्टर 2 में नहीं दिखाए गए थे तो ये सीन केजीएफ चैप्टर 3 में आएंगे तो वो कैसे, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में तो रॉकी मर गया है। अब यहीं पर हम सब मार खा रहे हैं दोस्तों, रॉकी मरा नहीं है, रॉकी जिंदा है। और इसका प्रूफ ये है कि इन सीन के अंदर रॉकी हमें दिखाई दे रहा है और ये दोनों ही सीन अभी आने बाकी है। और दूसरा प्रूफ ये है कि पुलिस स्टेशन वाले सीन में जब रॉकी के लोग आते हैं गन लेकर, तो वहां पर रॉकी के पास लगभग 5 हेलीकॉप्टर्स होते हैं और साथ में रॉकी रोल्स रॉयल कार चला रहा होता है, जबकि हमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखा था कि रॉकी के पास सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है और वो मस्तंग चला रहा था। और इसी सीन से ये भी क्लियर हो जाता है कि रमिका सेन और रॉकी के बीच डील हुई थी या फिर सीबीआई एजेंट जो केजीएफ चैप्टर 2 में थे उनके साथ रॉकी की डील हुई थी, क्योंकि इसी सीन में रॉकी कहता है कि कानून को सोने की अंगूठी पहनाई है, वो झुकेगा भी और सलाम भी करेगा। तो ये क्लियर है कि रॉकी जिंदा होगा और उसका सोना भी उसी के पास होगा, और उसके जिंदा रहने में या तो सीबीआई एजेंट या फिर रमिका सेन का हाथ होगा। अब बात करते हैं क्लब वाले सीन की, तो इस सीन में ये तो क्लियर हो जाता है कि केजीएफ यूनिवर्स बन रहा है और सलार केजीएफ से कनेक्टेड है, क्योंकि इस सीन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड्स, रॉकी सप्लायर से M16 ऑटोमेटिक गन ले रहा होता है और ये वही गन होती है जो रॉकी के लोगों के पास होती है पुलिस स्टेशन वाले सीन में, और सलार के पोस्टर में भी यही गन होती है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि सलार और केजीएफ जुड़ी हुई है और सलार रॉकी का कमांडर बनेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।